मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह पर शासन प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग विवाह समारोह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा एक मामला उज्जैन जिले के डेलची में सामने आया है, जहां शादी की जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तैयारियों पर पानी फेर दिया। दरअसल पूरा मामला माकड़ों निकाय के डेलची का है, जहाँ तहसीलदार सपना शर्मा को सूचना मिली थी कि डेलची में एक परिवार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर शादी करने जा रहा है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची तहसीलदार और पुलिस ने देखा तो परिवार जोर शोर से शादी की तैयारी में जुटा था। वहीं दूल्हे राजा भी मेहंदी और हल्दी लगाकर तैयार बैठा था। इस दौरान पुलिस और तहसीलदार ने परिवार को शादी नहीं करने के लिए समझाइश थी, लेकिन जब वो अपनी बात पर अड़े रहे तो पुलिस ने दूल्हे राजा को अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि महिलाओं ने पुलिस जवानों के आगे खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन उनकी एक नहीं चली। डेलची ग्राम से कुछ फोटोज़ हमारे पास में आई थी कि कोई शादी कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि जिलाधीश महोदय के द्वारा आदेश निकालकर संपूर्ण विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं, साथ ही कोरोना नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में मौके पर जाकर देखा तो वहां पर पाया कि वहां विवाह कार्यक्रम चल रहा था। थाना प्रभारी को सूचना दी गई, जिसके आधार पर दूल्हे के पिता एवं दूल्हे के जीजा पर 188 की कायमी की गई है। दो व्यक्ति पर कि तीन? दूल्हे पर भी की गई है। ठीक ठीक। फिलहाल पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक बार फिर पुलिस प्रशासन ने जता दिया कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।